नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खारगोन के चोली गांव में एक भैंस ने 7 दिनों के अंतराल में 2 पाड़ों को जन्म दिया। डॉक्टरों का कहना है कि साइंस इस तरह के केस को रेयर और हजारों में एक मानती है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में सुपरफिटेशन कहा जाता है। आपको बता दें कि किसान जगदीश पाटीदार की भैंस ने शुक्रवार सुबह 11 बजे जब पाड़े को जन्म दिया तो परिवार के लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि 7 दिनों पहले ही यानी 6 जनवरी को इस भैंस ने और पाड़े को जन्म दिया था। किसान ने कहा कि जुड़वा पाड़ों के केस में कुछ मिनट या कुछ घंटों का अंतराल देखने में मिलता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र डावर ने कहा कि ऐसे केस को मेडिकल साइंस में सुपरफिटेशन कहा जाता है। गर्भाशय में 2 हॉर्न होते हैं। जब भी गर्भधारण होते हैं तो किसी एक हॉर्न में ही पाड़ा विकसित होता है, दूसरा हॉर्न खाली होता है। जुड़वा पाड़ों के मामलों में भी एक हॉर्न में 2 पाड़े एक साथ विकसित होते हैं, और यह एक तरह का चमत्कार ही है कि दोनों हॉर्न में एक साथ 2 गर्भ विकसित हुए, और इस वजह से कुछ दिनों के अंतराल में ही भैंस ने 2 पाड़ों को जन्म दिया है। ऐसे मामले हजारों में एक ही होते हैं। वहीं किसान ने बताया कि 3 दिन पहले ही उसने अपने रिश्तेदार महेश पाटीदार से यह भैंस खरीदी थी। महेश पाटीदार के घर इस भैंस ने 6 जनवरी की सुबह बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद 14 जनवरी को उसने फिर से बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे के जन्म के बाद गाय या भैंस के दूध को गर्म करने पर फट जाता है, लेकिन दूसरे पाड़े के जन्म देने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि सुपरफिटेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गर्भ में एक भ्रूण का निर्माण तब होता है जब एक अन्य भ्रूण पहले से ही गर्भाशय में मौजूद होता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।